हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में। आप जान पाएंगे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम किस तरह का होता है। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज है कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरेंगे, आखिर किस तरह का हमें प्रैक्टिकल कॉपी भरना है, एग्ज़ाम किस तरह का होगा, कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्या लिखना होगा, कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होगा, इन सभी बातों का चर्चा करेंगे। साथ में कौन से पेन का इस्तेमाल करना है, किस पेन से लिखेंगे और कैसे क्या लिखेंगे कि आपको अच्छे और पूरे मार्क्स मिले। क्योंकि आपको जो मेन जो चीज़ होता है प्रैक्टिकल में, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको जो परसेंटेज जो होता है उसमें वृद्धि होती है, आपको अच्छे परसेंटेज भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन सभी बातों का चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आप लोग को फॉलो करना है। पहली बात हम लोग कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है और कितने मार्क्स का होता है। तो आर्ट्स के स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, उसके बाद होम साइंस, म्यूज़िक और ETC, इसी तरह के सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल पूछाते हैं। बाकी हिस्ट्री प्रैक्टिकल पूछाते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल नहीं पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल में जो होता है इन सब सब्जेक्ट में आपको 70 मार्क्स जो होता है एग्ज़ाम होता है, बाकी आपको 30 मार्क्स का जो होता है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। पहले तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं लिया जाता था, बट इस बार इससे अगले साल से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम यानी 2018 से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम शुरू कर दिया है, जिसमें आपको अलग से सेंटर में प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम होती है, साथ में आपको प्रैक्टिकल की कॉपी भी लिया जाता है। और 70 मार्क्स जो होते हैं इसमें आपको बोर्ड में एग्ज़ाम होती है, तो इसमें आपको केवल जो है 70 मार्क्स के पूछाते हैं और टाइम भी इसमें कम रहता है। बट प्रैक्टिकल में आपको 30 मार्क्स के जो होते हैं उसमें आपको कॉपी में अलग से भरना पड़ता है और साथ में आपको सेंटर में आके उसका जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होता है आपको वहाँ पर मौखिक भी जवाब देना होता है और लिखित भी जवाब देना होता है। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आते हैं दूसरी चीज़ के बारे में कि ये जो प्रैक्टिकल जो होता है इसका लिखना कौन से पेन से, आखिर किस पेन के इस्तेमाल करेंगे। तो आप सिंपल सा इस्तेमाल दो पेन इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, एक ब्लू और एक ब्लैक। कभी भी गलती से आप लोग रेड पेन का इस्तेमाल ना करें, हमेशा आप ब्लू पेन का इस्तेमाल किसी भी आंसर को लिखने में करें और ब्लैक पेन का इस्तेमाल आप लोग किसी क्वेश्चन को लिखने में करें। इससे आपको जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इससे आपको जो चेक होगा करने वाला उसको पता चल पाएगा कि किस कौन से क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर दिया हुआ है। सो उसको यहाँ पे आसानी होगी, जिससे आपको मार्क्स मिलने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। आगे बात करते हैं जो आप राइटिंग जो लिखे हैं, मेन डिपेंड करता है आपको प्रैक्टिकल में राइटिंग की। आप जितने अच्छे सुंदर से जितने अच्छे से लिखते हैं आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो मेन अगर रीज़न देखा जाए तो उसका मेन रीज़न होता है आपको राइटिंग की चेकिंग, यानी आप किस तरह की राइटिंग लिखते हैं उसी राइटिंग के हिसाब से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिलते हैं। बाकी ऐसे जो अब के इसमें तो ऐसे सबको मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग चिंता करने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल में लगभग सभी को मार्क्स दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, किसी को अगर 18 मार्क्स अगर किसी को 30 में 27 या 26 मार्क्स दिए आएंगे, तो अगर आप राइटिंग अच्छी से लिखते हो तो आपको 30 में 30 मिल सकता है या फिर 29 मिल सकता है। तो आप लोग को सुधारना है अपनी राइटिंग को। आगे बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी लिखेंगे से उसके बारे में आपको बाद बताऊँगा। और मैं आपको बता दूँगा इसका एग्ज़ाम जो होता है वो आपको कहाँ पे कब लिया जाएगा। तो इसका एग्ज़ाम जो होता है, पहले जो था अलग अलग जिस कॉलेज में अगर सुविधा है एग्ज़ाम की तो आपकी उसी कॉलेज में होम सेंटर एग्ज़ाम होगा। अगर आपके कॉलेज में कंप्यूटर या फिर किसी तरह की जगह की सुविधा नहीं है, अच्छी तरह की व्यवस्था नहीं है, तो आपका सेंटर किसी अदर कॉलेज में पढ़ सकता है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होगा वो आपको कहाँ पर मिलेगा, या कॉलेज में मिलेगा या फिर आपको अलग से अपने से बनाना पड़ेगा। तो सभी कॉलेज का जो होता है नियम रूल अलग अलग होता है। जैसे कुछ कॉलेज में जो है प्रैक्टिकल के क्वेश्चन उसी कॉलेज में से मिल जाते हैं, आपको वो क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको कॉपी में भरना होता है। बाकी कुछ कॉलेज में जो होते हैं वो क्वेश्चन नहीं देते हैं, आपको बोलेंगे कि प्रैक्टिकल का बुक ले लेना और इस बुक से आप लोग इस कॉपी को भर लेना है। फिर ये जो कॉपी आप भरेंगे 30 मार्क्स के, और उसको कॉपी को भरने के बाद इस प्रिंसिपल का जो कॉलेज का होता है उसके आपका सिग्नेचर लगवा लेना होता है, और फिर इस प्रैक्टिकल कॉपी को अपने पास जहाँ पे भी एग्ज़ाम आपका सेंटर है वहाँ पास से ले जाना होता है। जिस दिन जिस सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है आपको उस कॉपी को उसी
मतलब एग्ज़ाम के दिन अपने साथ एग्ज़ाम हॉल में ले जाना है। वहाँ पे आपका भी एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे मौखिक, और बाकी जो होगा वो आपको लिखित क्वेश्चन पूछाएगा कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में किस तरह से लिख पाते हैं। वहाँ पे आपकी लिखित एग्ज़ाम होगी, साथ में आपको लिखने के बाद पेपर जो टाइम दिया, लिखने के बाद आप पेपर के साथ साथ आप प्रैक्टिकल कॉपी को वहाँ पर जमा कर दीजिएगा, जमा करना होगा। और वहाँ पे जो चेकर होगा, चेकिंग करने वाले, वो आपके प्रैक्टिकल कॉपी को देखेंगे, और साथ में एग्ज़ाम में इन दोनों को मिलावट करके आपको अच्छे वहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा कि कितने मार्क्स के आप लायक हैं। तो इस तरह वह नियम रहता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का। आगे बात करते हैं कि आपको किस तरह प्रैक्टिकल कॉपी भरना है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा मैं कॉपी बना लिया हूँ भर के आप लोग को बताने के लिए। तो चलते हैं हम लोग कॉपी को देख लेते हैं किस तरह से आपको भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पेपर ले चुका हूँ, जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे। इस प्रैक्टिकल में आपको करना क्या है, जो प्रैक्टिकल का जो फ्रंट पेज होगा आपको इस तरह के नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट नाम से देखेंगे, साथ में इधर आपको सीरियल नाम नंबर के नाम से देखेंगे, और इधर पेज नाम नंबर से, और इधर जो डेट एक्सपेरिमेंट डेट, और यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन और रिमार्क्स, इस तरह करके आपको प्रैक्टिकल सभी प्रैक्टिकल की कॉपी में आपको इस तरह को देखने को मिलेंगे। आते हैं बात करके इसमें आपको लिखना क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको कॉपी में जो है इस जगह पे आपको प्रैक्टिकल का नाम लिखना है, यानी प्रैक्टिकल का हेडलाइन, यानी जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लिखना है कि सीरियल नंबर आपको एक देना है, प्रैक्टिकल नंबर एक यहाँ पे लिखना है, और उसके लिखने के बाद आज जो प्रैक्टिकल का जो नाम है उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है, जिस प्रैक्टिकल को आप लोग कॉपी में उधर लिखेंगे अभी बताएंगे पूरी तरह से आपको, उसको यहाँ पे लिखना है। और साथ में आपको यहाँ पे जो पेज नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग जो प्रैक्टिकल कॉपी होगा उसको शुरू से लेकर अंत तक, अगर पेज नंबर उसमें दिया हुआ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया हुआ तो आप लोग पहले उसका पेज नंबर अपने आप पहले लिख लीजिएगा अपने पेन से। फिर उसके बाद पहला जो यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल जो ये कौन से पेज नंबर से शुरू हुआ है, इस पेज नंबर को यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल जब से स्टार्ट करेंगे, एक प्रैक्टिकल अगर समाप्त हो गया दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2 सीरियल नंबर की जगह, और वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल का नाम लिखेंगे पूरा, और फिर उस तरह यहाँ पे पेज नंबर कौन से पेज नंबर शुरू हुआ उस पेज नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला है डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट डेट, यानी आपने जो प्रैक्टिकल जो तैयार किया है वो कितने दिनों में तैयार किया, और कौन से प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम सॉरी कौन से प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो कौन से तारीख में लिखा। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, जैसे एक्सपेरिमेंट को आप लोग अगर 12 तारीख को बनाते हैं, 12/11/2019 को बनाते हैं, तो इसको यहाँ पे आप लोग को लिख देना है कि 12/11/2019। उसी तरह अगला अगर प्रैक्टिकल आप 13 तारीख को बनाते हो, यहाँ पे 13 लिख देना है। तो आप अगर नहीं एक ही दिन में पूरा बनाते हैं, तो आप लोग 1-2 दिन अपने से गैप वहाँ पे कर देना, ताकि समझ पाएगा एग्ज़ाम वाले चेक करने वाले कि ये प्रैक्टिकल कॉपी 1 दिन में नहीं भरा है, या 5-6 दिन में अच्छे राइटिंग से बना करके वो लिखा है। तो ये चीज़ आप लोग पर डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ये आपको वहाँ पे जो चेक होगा वो आपको रिमार्क करेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं ये सब प्रैक्टिकल का, जितना भी आपका हेडलाइन है यानी जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल 3-4 होता है, 5 तक होता है, तो आपको यहाँ पे सीरियल वाइज लिख देना है प्रैक्टिकल का, और यहाँ पे लिख देना है आपको नाम। आते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग क्या लिखना है ये पूरी तरह से भर दीजिएगा। भरने के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल का यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं जो जिसका जो लैंग्वेज है। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डेट जैसे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है पूरा डेट लिखने के बाद यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं ऊपर में, और यहाँ पे जो है आप पेज नंबर कौन सा पेज नंबर है वो पेज नंबर लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप अपना एक्सपेरिमेंट का नाम लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट संख्या कितना है, आप जैसे दिया हुआ है देख पाएंगे एक्सपेरिमेंट संख्या 1 या 2, और यहाँ पर आप नीचे में एक्सपेरिमेंट 1 देख करके उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से जो भी पेन हो, ब्लैक पेन से अगर आपके पास ब्लैक पेन तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ताकि उससे आपको पता चलिए क्वेश्चन क्या और आंसर क्या। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से उसका जो आंसर लिखेगा ये पूरा वो आप अपना ब्लू पेन से लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा इसी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो दिया आपको बताया थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऊपर में, ये ऊपर में इसी में लिखना है। तो ये कौन सी लिखना है आपको, एक्सपेरिमेंट का जो क्वेश्चन रहेगा इसी क्वेश्चन को वहाँ पे लिखना है। ये पूरा प्रैक्टिकल जब पूरी तरह से तैयार हो जाए भर देने के बाद, अगर इसके बीच कहीं पर भी आपका अगर किसी तरह का फिगर या किसी तरह की बनावट रचना अगर आती है, तो उसको आप प्रैक्टिकल को भी देखेंगे, तो प्रैक्टिकल का एक कॉपी में इस तरह लाइन रहता है, और दूसरे पेज जैसे उलाटेंगे तो एक तरफ आपको पूरा सफ़ेद क्लीन दिखता है। तो आपको सफ़ेद वाले क्लीन वाले में जैसे ये दिख पाएंगे, तो इस क्लीन वाले में आपको उसका फिगर या फिर किसी तरह की रचना बनावट या फिर किसी तरह ग्राफ व्राफ है, तो आप लोग इस तरह के ग्राफ उस वाले पेपर में
आपको बनाना होगा, और उस वाले पर आप लोग अच्छी तरह से बढ़िया से ग्राफ स्केल से जो भी चीज़ से हो आप लोग बना लीजिएगा। जब इस तरह पूरा कंप्लीट हो जाए फिर आपका एक्सपीरियंस अगर रहेगा आगे में बचा हुआ तो आप आगे में इस तरह के लिख सकते हैं। इसी तरह ये प्रयोग संख्या एक पूरा समाप्त होता है। जिस तरह अगर आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी जो होता है आप अधिक से अधिक ज़्यादा से 3-4 पेज में भरने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और पूरी तरह से कॉपी भी खुल जाए। और जब इस तरह पूरा समाप्त हो जाए तो फिर अगला एक्सपेरिमेंट शुरू करते समय अगर आपका इस तरह पेज खाली रह गया, जैसे यहाँ पे देख पा रहे इस तरह पेज खाली रह गया, फिर ज़्यादा पूरा एक पेज खाली हो गया, एक दो लाइन इधर ऊपर में लिखिए और पूरा पेज खाली रह गया, तो ये गलती ना करें कि एक्सपेरिमेंट संख्या यहीं पे हम लोग शुरू कर देते हैं एक्सपेरिमेंट संख्या 2। ऐसा ना करें, इस पूरे पेज को छोड़ दें, अगले पेज से शुरुआत करें। यहाँ पे एक इस जगह लिखेंगे तो प्रैक्टिकल जो चेक करने वाला होगा उसके दिमाग में किसी तरह की भी झंझट या फिर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो उससे साफ सुथरा लगेगा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट संख्या 1 खत्म हो गया तो दूसरा एक पेज के बाद यहाँ सही से शुरू हुआ है। तो इस तरह दोनों को सहूलियत होगी, आप लोगों को भी और उसके चेक करने वालों को भी। तो हमेशा इस तरह करें। तो ये रहा पूरी डिटेल की प्रैक्टिकल कॉपी को भरना किस तरह है। बाकी आप लोग का सब्जेक्ट जिस तरह के सब्जेक्ट है तो आप उसी तरह से भर सकते हैं। जो 30 मार्क्स मतलब ये जो आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले भर सकते हैं, जो साइंस वाले हैं तो आप लोग अपने लैंग्वेज में जो भर सकते हैं अपने हिसाब से तो आप लोग भर सकते हैं। आप बता दें इसकी ज़रूरी बात कि आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए आपको किताब में जो भी किताब है तो वहाँ से आपको ढूंढ के लिखना पड़ेगा, या फिर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप जो भी प्रैक्टिकल किताब लेंगे उसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो साथ में उसका आंसर भी दिया रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिकल किताब से भी उसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।